फॉर्मर WWE चैंपियन ब्रे वॉयट का हाल ही में अचानक निधन हो गया। WWE सुपरस्टार जॉन सीना ने ब्रे वॉयट को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। इसके अलावा ट्रिपल एच ने भी उनके लिए कुछ लिखा है, आइए आपको दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। WWE सुपरस्टार ब्रे वॉयट का गुरुवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। ब्रे वॉयट 36 साल के थे। WWE सुपरस्टार जॉन सीना ने खुलासा किया कि वो ब्रे वॉयट के निधन से काफी सदमे में हैं। जॉन सीना ने ब्रे वॉयट को रिंग में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन निकालने के लिए श्रेय दिया था। ट्रिपल एच ने बुधवार को ये खबर दी थी कि वॉयट के निधन हो चुका है। ब्रे वॉयट का असली नाम विंडहम रोटुंडा था। वॉयट कंपनी में बतौर रेसलर एक बार WWE चैंपियन और दो बार यूनिवर्सल चैंपियन बने। वॉयट ने पिछले साल कंपनी में वापसी की और रॉयल रंबल 2023 प्रीमियर लाइव इवेंट में मैच भी खेला। जॉन सीना और ब्रे वॉयट के बीच WWE के दौरान गजब की प्रतिद्वंदिता रही। दोनों के बीच रेसलमेनिया 30 के दौरान प्रमुख मुकाबला हुआ था। 6 साल बाद वॉयट ने फिएंट के रूप में जॉन सीना को फायर रफ्लाई फन हाउस मैच में मात दी थी, जो कि सिनेमैटिक बाउट थी, और इस तरह उन्होंने 16 बार के वर्ल्ड चैंपियन से अपना बदला लिया था। जब से वॉयट का देहांत की खबर सामने आई है, कई फॉर्मर और मौजूदा रेसलर्स ने दिवंगत स्टार को ट्रिब्यूट किया है, और अब जॉन सीना ने रोटुंडा परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। जॉन सीना ने ट्विटर पर लिखा है कि वो वॉयट के निधन से सदमे में हैं और दावा किया है कि एक्स WWE चैंपियन ने उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन निकाला था, यानी वही खिलाड़ी थे जिसने उनसे बेहतर परफॉर्म करवाया। जॉन सीना ने कहा कि वो उन पलों के आभारी हैं जो WWE में ब्रे वॉयट के साथ गुजारे। जॉन सीना ने पोस्ट किया, विंडहम रोटुंडा के निधन की खबर से सदमे में हूँ। मेरी संवेदनाएं पूरे रोटुंडा परिवार के साथ हैं। विंडहम ने कई मायनों में मेरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन निकाला। हमने जो पल साथ में साझा किए उनके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। उन सभी के लिए दुखी दिन जिन तक ये खबर पहुंची, उनकी आत्मा को शांति मिले। आपको बता दें कि ब्रे वॉयट के अचानक निधन से रेसलिंग जगत में शोक था। 36 साल की कम उम्र में इस तरीके से चले जाने से लोग हैरान थे और यकीन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो एक बड़े रेसलर थे। WWE ने इस खबर की ऑफिशियल पुष्टि करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। इसके अलावा ट्रिपल एच ने उनके निधन पर शोक जताते हुए ट्वीट किया था कि अभी WWE हॉल ऑफ फेम माइक रोटुंडा का फोन आया। उन्होंने WWE परिवार के सदस्य विडम्बन रोटुंडा यानी ब्रे वॉयट के निधन की खबर सुनाई। हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं और सभी से आशा करते हैं कि इस वक्त उनकी प्राइवेसी का सम्मान करेंगे। इसके अलावा उनके निधन की खबर पर ड्वेन जॉनसन, जिन्हें हम रॉक के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने भी अपनी संवेदनाएं इस ट्वीट में शेयर की थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।